नागपुर हलचल में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। शिवसेना के भीतर चल रही उथल पुथल के बीच गुरुवार को पार्टी के मुखिया उद्धव ठाकरे को एक और तगड़ा झटका लगा है। अमरावती के पूर्व सांसद आनंदराव अड़सूल ने पार्टी नेता के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अड़सूल 2019 लोकसभा चुनाव से पहले अमरावती के सांसद थे। 2019 लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार नवनीत राणा ने उन्हें मात दिया और सांसद बनी। इस संबंध में उनके पुत्र अभिजीत अड़सूल ने मीडिया को बताया कि उनके पिता ने शिवसेना नेता के पद से इस्तीफा दे दिया है। ये पूछे जाने पर कि क्या वह एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट में शामिल होंगे, अभिजीत ने कहा, मेरे पिता शिव सैनिक बने रहेंगे। उल्लेखनीय है कि ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को हाल ही में बगावत झेलनी पड़ी है, जिसका नेतृत्व पार्टी के कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे ने किया है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर द्वारा रविवार सुबह 6:30 बजे दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र परिसर में प्रातःकालीन संगीत सभा ब्रह्मनाद का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में भोपाल मध्य प्रदेश के सुप्रसिद्ध वायलिन वादक महेश मलिक एवं युवा वायलिन वादक अमित मलिक द्वारा वायलिन जुगलबंदी की प्रस्तुति दी जाएगी। महेश मलिक संगीतिक परिवार से सारोकार रखते हैं। उन्होंने अपने पिता मनोहर लाल मलिक से प्रेरणा पाकर वायलिन वादन की विधिवत शिक्षा प्रारंभ की। मेवात घराने के मशहूर गायक स्वर्गीय अब्दुल गफूर खां और उसके बाद मेवात घराने के ही प्रसिद्ध गायक अब्दुल लतीफ खां के सानिध्य में गुरु दीक्षा ग्रहण की परंपरा की सीखों का यह सिलसिला उन्होंने हप्पू खां की शागिर्दगी तक जारी रखा है। महेश मलिक आकाशवाणी के अ श्रेणी के कलाकार है। वर्तमान में वे आकाशवाणी केंद्र भोपाल के संगीत प्रभाग में वायलिन वादक के पद पर कार्यरत है। देश के विभिन्न शहरों में आयोजित संगीत सभा एवं समारोह में उन्होंने अपनी प्रस्तुतियां दी है। इसमें देश के प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा आयोजित समारोह को भी उन्होंने अपने वादन से सजाया है। आयोजकों को उम्मीद है कि इस बार भी बड़ी संख्या में दर्शक उनके कार्यक्रम में आएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की नई कैबिनेट की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस नई कैबिनेट को लेकर जानकारी मिली है कि इसमें 45 मंत्रियों के होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर मंत्री भारतीय जनता पार्टी से होंगे। सूत्रों का कहना है कि नई कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी के 25 और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 13 मंत्री शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कुल निर्दलीय विधायकों को भी मंत्री बनाया जा सकता है। महाराष्ट्र की नई सरकार की कैबिनेट में सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस के अलावा ज्यादातर मंत्री नए ही हो सकते हैं। सूत्रों से जानकारी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी का ध्यान इस वक्त महाराष्ट्र में अगले विधानसभा चुनाव पर है। पार्टी इन चुनाव से पहले नए चेहरे को आजमा लेना चाहती है। बीजेपी इसी को ध्यान में रखते हुए इस नई रणनीति पर काम कर रही है। सूत्रों ने बताया है कि भाजपा हाईकमान ही मंत्रियों के नाम पर मोहर लगा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिंदे गुट और बीजेपी के बीच कैबिनेट बंटवारे के मसले को अंतिम रूप दिया जा रहा है। महामेट्रो के प्रबंध निदेशक डॉक्टर ब्रिजेश दीक्षित ने गुरुवार को मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भेंट कर उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने पर शुभकामनाएं दी। चर्चा के दौरान सीएम शिंदे ने महामेट्रो को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने प्रबंध निदेशक डॉक्टर दीक्षित से महामेट्रो रेल परियोजना से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। इस अवसर पर महामेट्रो के स्ट्रेटेजिक प्लानिंग विभाग के निदेशक अनिल कोकाटे उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पिछली सरकार में शहर विकास मंत्रालय के मंत्री थे। उन्होंने नागपुर मेट्रो परियोजना को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे 28 जनवरी 2020 को लोकमान्य नगर मेट्रो स्टेशन से सीताबर्डी इंटरचेंज तक एक्वा लाइन पर मेट्रो सेवा शुरू करने के उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे। इसके अलावा शिंदे 20 अगस्त 2021 को सीताबर्डी इंटरचेंज से कस्तूरचंद पार्क मेट्रो स्टेशन और जीरो माइल मेट्रो स्टेशन पर फ्रीडम पार्क के बीच 1.5 किलोमीटर दूरी की मेट्रो सेवा के उद्घाटन के अवसर पर भी उपस्थित थे। साथ ही वे 5 जनवरी 2020 को पुणे मेट्रो परियोजना के सिविल कोर्ट में भूमिगत मार्ग के दूसरे टनल बोरिंग मशीन निर्माण कार्य के अवसर पर भी मौजूद थे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी नागपुर अकोला और बुलढाणा जिले के 2 दिवसीय दौरे पर है। वे गुरुवार को प्रातः 11 बजे नागपुर हवाई अड्डे पर पहुंचे। यहां से वे तुरंत ही अकोला में आयोजित कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत केंद्रीय सड़क परिवहन एवं महामार्ग मंत्री नितिन गडकरी, विभागीय आयुक्त डॉक्टर माधवी खोड़े चौरे, पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, जिलाधिकारी आर विमला, मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी, नागपुर सुधार प्रन्यास के सभापति मनोज सूर्यवंशी, विशेष पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर छेरिंग दोरजे, सह पुलिस आयुक्त अवस्थी दोरजे, पुलिस अधीक्षक विजय मगर ने किया।
देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने सीधे रूप से जीएसटी काउंसिल द्वारा गत 28-29 जून को खाद्यान्न, बटर, दही, लस्सी आदि को 5% के जीएसटी कर स्लैब मिलाया। यह तमाम वित्त मंत्री इस निर्णय के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जीएसटी काउंसिलिंग ने ये निर्णय सर्वसम्मति से लिया है। सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एवं अन्य खाद्यान्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस बारे में कहा है कि ये निर्णय छोटे निर्माताओं एवं व्यापारियों के मुकाबले बड़े ब्रांड के व्यापार में वृद्धि करेगा और आम लोगों द्वारा उपयोग में लाने वाली वस्तुओं को अधिक महंगा कर देगा। अब तक ब्रांडेड नहीं होने पर विशेष खाद्य पदार्थों, अनाज आदि को जीएसटी से छूट दी गई थी। काउंसिलिंग के इस निर्णय से प्री पैक, प्री लेबल वस्तुओं को जब जीएसटी के कर दायरे में लाया गया है। इसको लेकर देश भर के विभिन्न राज्यों में अनाज, दाल एवं अन्य उत्पादों के राज्य स्तरीय संगठनों ने अपने अपने राज्यों में व्यापारियों के सम्मेलन बुलाने का काम शुरू कर दिया। इस विषय पर कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और उन्हें छोटे व्यापारियों की परेशानियों से अवगत कराया। अकोला के डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ के 36वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में राज्यपाल एवं कुलपति भगत सिंह कोश्यारी के हस्ते केंद्रीय सड़क परिवहन एवं महामार्ग मंत्री नितिन गडकरी को डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद पदवी प्रदान की गई। इस अवसर पर पूर्व कुलगुरु डॉक्टर मोतीलाल मदान, कुलगुरु डॉक्टर विलास भाले, कुलसचिव, शिक्षक व स्नातक विद्यार्थी तथा अन्य मान्यवर उपस्थित थे। महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा के आदेशानुसार और महाराष्ट्र प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष संध्या सवालाखे के मार्गदर्शन में शहर महिला कांग्रेस अध्यक्षा नैश नुसरत अली के नेतृत्व में घरेलू रसोई गैस के दाम बढ़ाए जाने के खिलाफ शहर के गांधी पुतला वैरायटी चौक में धरना प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर सिलेंडर की शोक सभा आंदोलन आयोजित की गई और केंद्र सरकार द्वारा गृहिणियों पर महंगाई लादे जाने का जोरदार विरोध किया गया। केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस विरोध प्रदर्शन में नैश नुसरत अली, रेखा काटोले, चारुलता कल्पना भट्ट, अंजना मड़ावी, गीता जलगांवकर, नंदा अतकरे, उषा धुर्वे, पूजा देशमुख, प्रमिला धामने, कविता घुबड़े, संगीता बनाफर, सुरेखा लोटे, शालिनी सरोदे, रानी सालवे, किरण मोहिते, ममता बालदे, ममता तोमर, रोशनी निखाले, कविता धुंदे, सुरेखा लोंदे आदि कार्यकर्ता व पदाधिकारी गण शामिल थे। रेलवे प्रशासन द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हेतु दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के अंतर्गत अमलाई बुढ़ार सेक्शन में तीसरी रेल लाइन विद्युतीकरण का कार्य 24 जुलाई तक किया जाएगा। इस कार्य के पूर्ण होते ही गाड़ियों की समयबद्धता एवं गति पहले की तरह हो जाएगी। इसके फलस्वरूप नागपुर मंडल के अंतर्गत बरौनी से रवाना होने वाली गाड़ी बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस 23 जुलाई तक तथा गोंदिया से रवाना होने वाली गाड़ी गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस 8 जुलाई से 24 जुलाई तक रद्द रहेगी। रेल प्रशासन यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद व्यक्त करता है तथा सहयोग की आशा करता है। नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए मनपा के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोवैक्सीन का टीका उपलब्ध होगा। टीका दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है। साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है। प्रसिद्ध उदासीन आश्रम के बाबा मोहनदास जी महाराज के सानिध्य और कृपा से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आश्रम आष्टिकला नागपुर में अखंड रामायण पाठ एवं भंडारे का आयोजन बड़ी श्रद्धा और धूमधाम के साथ होगा। बाबा मोहनदास उदासीन आश्रम आवरी धाम ट्रस्ट के कार्यकारी अध्यक्ष एवं प्रमुख महामंत्री मनोज यादव ने बताया कि बाबा की आशीर्वाद और कृपा है जो आज मानव जाति में वेद और पुराणों का प्रचार हो रहा है। हम इस आयोजन से संदेश समाज को देना चाहते हैं कि आप सभी अपने बच्चों में वेद पाठ का संस्कार जगाएं और उनको वेदों और सनातन धर्म को जानने की शिक्षा देकर समाज और राष्ट्र का निर्माण करें। मनोज यादव ने कहा कि हम जल्द ही एक वृद्धाश्रम और बच्चों के लिए वेद पाठशाला बाबा मोहनदास जी महाराज उदासीन के आशीर्वाद से खोलने जा रहे हैं, जिसमें समाज के लोगों से सहयोग अपेक्षित है। हमको अल्पगिरी बीज कंपनी के निदेशक ने कहा है कि वे इस पुनीत कार्य के लिए हमारी हर संभव मदद करेंगे। मनोज यादव ने कहा, यह आयोजन समाज और राष्ट्र के साथ साथ हमारे समाज को आगे बढ़ाने और बच्चों के लिए संस्कार उत्पन्न करने का साधन सिद्ध होगा।
शहरवासियों को काफी तरसाने के बाद आखिरकार बादल मेहरबान हुए। गुरुवार की दोपहर 1:30 बजे से धुआंधार बारिश शुरू हुई तो करीब 5:15 बजे बंद हुई। लगातार मूसलाधार बारिश से जहां सिटी सराबोर हुई, वहां मनपा की जल निकासी व्यवस्था के पोल भी खुल गई। कई इलाकों में पानी भरा, कई सड़कें जलमग्न हुई, कुछ स्कीमों में पानी कमर तक भर गया और लोगों को पानी निकालने की मशक्कत करते देखा गया। नाले व नाग नदी भी कुछ समय के लिए उफान पर रहे। मौसम विभाग ने शाम 5:30 बजे तक शहर में 87 मिलीमीटर बारिश दर्ज की। यह इस सीजन की एक ही दिन में सर्वाधिक बारिश है। विभाग ने संभावना जताई है कि आगामी 48 घंटे इसी तरह का माहौल बना रहेगा। 8 और 9 जुलाई को भी भारी बारिश होने की संभावना जताई है। 13 जुलाई तक इसी तरह का मौसम बना रहने की संभावना है। बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट आई। अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मूसलाधार बारिश के चलते सिटी के अनेक आरयूबी लबालब हो गए। नरेंद्र नगर आरयूबी पर तो बस एक मेडाटोर और मालवाहक छोटी गाड़ी फंस गई। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में ट्रेनों के कैंसिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। रेलवे बोर्ड के निर्देश पर बुधवार को फिर से 35 ट्रेनों को 7 दिनों के लिए रद्द करने का फरमान जारी कर दिया है। इसमें नागपुर से गुजरने वाली 14 एक्सप्रेस तथा 2 मेमू ट्रेनें शामिल है। 11 जुलाई को नांदेड़ संतरागाछी एक्सप्रेस, 13 जुलाई को संतरागाछी नांदेड़ एक्सप्रेस, 11 एवं 14 जुलाई को भुवनेश्वर कुर्ला एक्सप्रेस, 13 एवं 16 जुलाई को LTT भुवनेश्वर एक्सप्रेस रद्द रहेगी। इसी प्रकार 12 जुलाई को पूरी LTT एक्सप्रेस, 14 जुलाई को LTT पूरी एक्सप्रेस, 9, 15 एवं 16 जुलाई को हटिया LTT एक्सप्रेस, 11, 17 एवं 18 जुलाई को LTT हटिया एक्सप्रेस, 10 जुलाई को विशाखापट्टनम LTT एक्सप्रेस, 12 जुलाई को LTT विशाखापट्टनम एक्सप्रेस, 11 एवं 12 जुलाई को बिलासपुर भगत की कोठी एक्सप्रेस, 14 एवं 16 जुलाई को भगत की कोठी बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी, 14 एवं 16 जुलाई को बिलासपुर बीकानेर एक्सप्रेस, 17 एवं 19 जुलाई को बीकानेर बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी, 10 से 16 जुलाई तक इतवारी रामटेक एक्सप्रेस और रामटेक नागपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल भी रद्द रहेगी। साथ ही गेवरा रोड इतवारी एक्सप्रेस 10 से 16 जुलाई तक कोरबा गेवरा रोड के मध्य रद्द रहेगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से सहयोग करने की अपील की है। स्टेशन फ्लाईओवर को लेकर भले ही अब तक केवल लीपापोती चलती रही हो, लेकिन अब वास्तविक रूप में इसके तोड़ने और 6 लेन रोड बनाने की योजना साकार होती दिखाई दे रही है। प्रक्रिया के बीच ही मुआवजे को लेकर 23 लाइसेंसधारी दुकानों ने जिला सत्र न्यायालय में दीवानी अर्जी दायर की है, जबकि 19 दुकानदारों ने स्थायी तौर पर दुकानों के बदले दुकानों की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की है। मनपा जहां न्यायिक मसलों को सुलझाने में जुटी है, वहीं अन्य कमरों को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू किए जाने की जानकारी भी दी है। उल्लेखनीय है कि मनपा की सभा में दुकानदारों के संदर्भ में निर्णय लिया गया था, जिसके अनुसार जिन दुकानदारों को कमरों के बदले मुआवजा चाहिए था, उनका मुआवजा निर्धारित किया गया, किंतु अब दुकानदार वर्तमान रेडी रेकनर की दरों के आधार पर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। नागपुर महानगर पालिका प्रशासन का मानना है कि इन दुकानदारों को स्थायी दुकानों का ही आवंटन किया जाना है, किंतु स्थायी निर्माण होने तक फिलहाल उन्हें अस्थायी रूप से कमरों का आवंटन किया जा रहा है, तो कुछ दुकानदारों को ये मान्य नहीं है। महावितरण के तुलसीबाग उप विभाग की ओर से लगातार बेकायदारों और बिजली चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार को भी 18 जगहों पर बिजली चोरी पकड़ी गई और 4 बकायेदारों का कनेक्शन काटने की कार्रवाई की गई। जिन 4 बकायेदारों की बिजली काटी गई, उन पर 4.25 लाख रुपए का बिल बकाया था। अभियान के दौरान कार्रवाई से बचने के लिए 17 बकायेदारों ने 90,000 रुपए बकाया तत्काल जमा किया। जूनी शुक्रवारी इलाके में 3 ग्राहकों को बिजली चोरी करते पकड़ा गया। वही मॉडल मिल चाल में 15 जगहों पर बिजली चोरी पकड़ी गई। सभी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान में महल के अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता, तुलसीबाग सहायक अभियंता, जूनी शुक्रवारी, ST स्टैंड, महल गांधीबाग के अधिकारी व कर्मचारियों की टीम ने भाग लिया। प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को शिक्षा के दौरान दोपहर को भोजन उपलब्ध कराने की योजना सरकार द्वारा चलाई गई। बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन संदर्भ में इच्छुकों से टेंडर मंगाए गए। टेंडर प्रक्रिया में सबसे न्यूनतम बोली लगाने के बावजूद अन्न आपूर्ति के लिए कार्यादेश नहीं दिए जाने के पर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई।
याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश अतुल चांदुरकर और न्यायाधीश उर्मिला जोशी ने अगले आदेश तक जिस टेंडर प्रक्रिया में याचिकाकर्ता सफल हुआ है उसे नजरअंदाज कर वर्ष 2021-22 के लिए मिड डे मील की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करने के आदेश सरकार को दिए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिकारी शशांक मनोहर और अधिकारी अक्षय नाइक तथा सरकार की ओर से अतिरिक्त सरकारी वकील दीपक ठाकरे ने पैरवी की। अदालत ने आदेश में स्पष्ट किया कि 18 मार्च 2021 को टेंडर नोटिस जारी किया था जिसमें 30 दिसंबर 2021 को याचिकाकर्ता सफल पाया गया। अतः प्राथमिक स्तर पर इस टेंडर प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में प्राथमिक शिक्षा संचालनालय को किसी तरह की न्यायिक बाधा नहीं है। अदालत ने इस संदर्भ में 10 मई 2022 और 22 जून 2022 को दिए गए पत्र पर संज्ञान लेने के आदेश भी प्राथमिक शिक्षा संचालनालय को दिए। गणेशोत्सव के दौरान उमड़ने वाली भीड़ को कम करने के उद्देश्य से मध्य रेल अगस्त महीने में गणेशोत्सव स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। ये ट्रेन नागपुर और मडगांव के बीच 6 ट्रिप चलेगी। स्पेशल गाड़ी नंबर 1139 13 17 और 20 अगस्त को चलेगी। इसके 3 ट्रिप होंगे। नागपुर से दोपहर 3 बजे प्रस्थान कर अगले दिन शाम को 5:30 बजे मडगांव पहुंचेगी। इसी प्रकार स्पेशल गाड़ी नंबर 01140 14, 18 और 21 अगस्त को 3 ट्रिप करेगी। शाम 7 बजे मडगांव से ये ट्रेन रवाना होगी और अगले दिन शाम को 9:30 बजे नागपुर पहुंचेगी। गौरतलब है कि गणेशोत्सव के मद्देनजर मध्य रेल पूरे जोन में 32 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। ये गाड़ियां पहले से घोषित 74 गणपति स्पेशल ट्रेनों के अतिरिक्त है। प्रतिबंधित प्लास्टिक पर पूरी तरह से पाबंदी लगाए जाने के बावजूद इसके धड़ल्ले से जारी इस्तेमाल के खिलाफ कड़ा अभियान शुरू करने का निर्णय मनपा ने लिया। कुछ दिनों तक एनडीएस का दस्ता पूरी तरह से चुस्त रहा किंतु अचानक इसमें ढिलाई आने लगी थी। अब गुरुवार से फिर एनडीएस ने कड़ा रुख लिया। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक को लेकर पहले कार्रवाई करने के बाद भी प्रतिष्ठानों को दूसरी बार खंगाला गया जिसमें पुनः प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करते पाए जाने पर उनसे डबल जुर्माना वसूल किया गया। एनडीएस ने गुरुवार को 20 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई कर 1.25 लाख का जुर्माना वसूल किया। उल्लेखनीय है कि मनपा के सभी 10 जोन में प्रतिबंधित प्लास्टिक की पन्नी को लेकर एनडीएस का दस्ता सक्रिय होने से दुकानदारों में दहशत है। कई ने अब जुर्माना के भय से प्लास्टिक पन्नी देना भी बंद कर दिया है। गुरुवार को एनडीएस दस्ते ने दूसरी बार कई प्रतिष्ठानों में जाँच की। दूसरी बार जांच के लिए पहुंचे दस्ते को देख इन प्रतिष्ठानों के संचालकों में खलबली मच गई। हालांकि उन्होंने प्लास्टिक पन्नी का उपयोग बंद किए जाने का हवाला दिया लेकिन दस्ते ने प्रतिष्ठानों की बारीकी से जांच की जिसमें प्रतिबंधित प्लास्टिक मिलने के कारण 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। कोरोना को लेकर स्थिति सामान्य होने की बजाय बिगड़ती ही जा रही है। जिस दिन जिले में टेस्ट अधिक होते हैं उस दिन पॉजिटिव भी बढ़ जाते हैं। गुरुवार को जिले में 118 नए मामले मिले। इनमें सबसे अधिक सिटी में 84 और ग्रामीण में 34 संक्रमित मिले। इस बीच 90 संक्रमित कोरोना मुक्त भी हुए। अब धीरे धीरे अस्पतालों में भर्ती होने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। कुल 18 पॉजिटिव विविध अस्पतालों में भर्ती है। इनमें सबसे अधिक मेडिकल में 6 मरीज है। कुल 1972 नमूनों की जांच की गई थी। इनमें सिटी के 1520 और ग्रामीण अंचल के 448 नमूनों का समावेश है। फिलहाल जिले में 643 एक्टिव मामले हैं। आपदा प्रबंधन क्षेत्र में सटीकता अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस कार्य में मानव निर्मित गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इसलिए संबंधित अधिकारियों को आधुनिक तकनीक का उपयोग करना चाहिए। इस आशय के विचार गुरुवार को नागपुर जिले के प्रमुख सचिव एवं आपदा प्रबंधन सहायता और पुनर्वास विभाग के प्रभारी सचिव असीम गुप्ता ने व्यक्त किए। मानसून के दौरान एहतियाती उपायों की समीक्षा के लिए जिलाधिकारी कार्यालय स्थित छत्रपति सभागार में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। गुप्ता ने आपदा प्रबंधन में मशीनरी अंतर्राज्यीय समन्वय मौसम और आधुनिक तकनीकों पर अधिकारियों का मार्गदर्शन किया। गुप्ता ने आधुनिक तकनीक के उपयोग पर जोर देते हुए नागपुर जिले से बहने वाली नदियों और अन्य राज्यों से जुड़ने के बाद आसपास के राज्यों के साथ समन्वय को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। अधिकारियों को 2020 की बाढ़ के दौरान की गई गलतियों की पुनरावृत्ति से बचाना चाहिए। पहले ही गलतियां से सबक सीखे और उस समय प्राप्त अनुभव के आधार पर प्रभावी ढंग से काम करें। जिला कलेक्टर विमला आर ने बिजली गिरने से कई लोगों की मौत पर चिंता व्यक्त की। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।